हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स चैनल। ये अभी तक की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। भाई, हैंडराइटिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं, हैंडराइटिंग इफेक्ट कैसे लाते हैं, पेंसिल राइटिंग एनिमेशन के बारे में तो बताओ। ये कमेंट्स मुझे देखने को मिलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, जो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। जी हाँ, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रोफेशनल कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स ख़रीदना पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप वही क्वालिटी के व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बना पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, अब आ गए हैं हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हैं आप, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर हम एक ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका नाम है बेनाइम। तो ये बेनाइम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएटर नाम है इस ऐप का पूरा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इससे हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाएंगे वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, तो आपको कॉपीराइट इशूज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चीज़ें यूज़ करेंगे वो नॉन कॉपीराइटेड हैं। तो आपको सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में सबसे पहले मैं इस ऐप के आपको फीचर्स बताऊँगा, टूल्स बताऊँगा, और ये कैसे काम करता है उसका इंटरफेस समझाऊँगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इसकी वीडियो के जो मतलब सेकेंड हिस्सा है इसी वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इससे एनिमेशन मूवी कैसे क्रिएट होती है, और मैं आपको एक खुद एनिमेशन मूवी क्रिएट करके बताऊँगा, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन मूवी। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे, आपको यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके नहीं हैं, ये कंपनी ने बनाए हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इनको इन पर टैप करेंगे तो आप इनको अपने वीडियोस में आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो भी इन्होंने बनाया है। आप इनको प्ले करके देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप प्ले करके देख लेंगे इनको, और जो ये आप अगर इन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट्स में आने लगेगा। और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दोस्तों आपको इस प्लस के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना जो प्रोजेक्ट है उसका नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो मैं अभी यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो मैं हाईएस्ट क्वालिटी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो क्रिएट मूवी पे मैंने क्लिक कर दिया है। क्रिएट मूवी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर, जिस जो है एक डिस्क की तरह। तो इस डिस्क पे आपको क्लिक करेंगे तो आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर पाएंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स पे बनाएंगे, तो आपके एलिमेंट्स और इमेजेस जो हैं वो सेव होने के लिए, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, ताकि आप उस पर वापस जा सकें, तो आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को बिना मूवी क्रिएट करें। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को प्ले करके देख सकते हैं, ऊपर प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। उसके बाद ये इसके साइड में ऑप्शन जो है वो शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी मूवी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी में, तो आपको वीडियो बनी हुई मिल जाएगी, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखें तो यहाँ पर स्टिकर, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, हैंड और म्यूज़िक के ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में आप कोई सा भी कलर चूज़ कर लिए जो आपके हिसाब से, आपको जिस हिसाब से एनिमेशन व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना है। मुझे अगर आपको डार्क बैकग्राउंड चाहिए तो आपको सिंपली ऊपर ये स्लाइडर है इसको ड्रैग करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, और अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आपको नीचे वाला स्लाइडर जो है वो लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना पड़ेगा। मुझे अभी वाइट कलर चाहिए तो मैं सेंटर पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाइट बैकग्राउंड आ गया। अगर आपको कोई और सा चाहिए तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक में आप कोई सा भी म्यूज़िक ट्रैक ऐड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा कोई सा भी म्यूज़िक और यहाँ पर आप उसको ऐड कर लीजिएगा। वॉइस ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वॉइस ओवर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का हार्ट होता है, क्योंकि वॉइस ओवर जो एनिमेशन है वो सिंक में होना चाहिए। कि जैसे मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ तो कंप्यूटर की इमेज आ रही है, कंप्यूटर का एनिमेशन आ रहा है, और अगर मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ तो उसका रिटन में आ रहा है, हैंड एनिमेशन आ रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस ओवर दोस्तों इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप वॉइस ओवर को पहले से कर लें और उसके बाद एनिमेशन बनाएं, और दूसरा तरीका ये है पहले आप पूरा एनिमेशन बना लें अपना, उसके बाद वॉइस ओवर करें। ज़्यादातर लोग पहले वॉइस ओवर करते हैं उसके बाद एनिमेशंस बनाते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वैसे आप कर लिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बार ऑडियो रिकॉर्ड करके बता देता हूँ, तो मैं इस पर रेड पे क्लिक करूँगा तो ये ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हैं आप। तो दोस्तों मैंने ये टेस्ट ऑडियो बनाया है, अब मैं इस पर चेकमार्क पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब वॉइस सुनते हैं हम कि कैसी वॉइस आई है। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हैं आप। तो दोस्तों मैंने ये टेस्ट ऑडियो बनाया है, अब मैं इस पर चेक।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑडियो वॉइस जो है वो सही वर्क कर रहा है, तो मैं अभी इसको डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ फीचर समझा रहा हूँ, हम एनिमेशन मूवी भी बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है टेक्स्ट। दोस्तों आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं हेलो फ्रेंड्स टाइप कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और जो हैंड इफेक्ट है, हैंड राइटिंग इफेक्ट, वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो ए छोटा सा दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो मैं मार्कर फॉन्ट ले सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा फॉन्ट लगे वो आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं ये फॉन्ट ले रहा हूँ, तो ये भी अच्छा फॉन्ट लग रहा है मुझे। यहाँ पर आप जो ये ब्लैक कलर का बॉक्स है, इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको स्लाइड करेंगे राइट साइड पे, तो कलर्स दिखने लगेंगे आपको। तो यहाँ पर मैं जैसे रेड कलर चूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो ये रेड कलर का हो गया। अब मुझे इसको बड़ा करना है हेलो फ्रेंड्स को, तो आप नीचे देख सकते हैं ये स्लाइडर है, तो ये साइज़ का स्लाइडर है, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जो है ये दोस्तों, इसका स्लाइडर से हमारा टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा, आपने ये देखा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 100 दिखा रहा है, इसको आपको टैप करके होल्ड करना है, तो ये बड़ा होता जाएगा जितना भी आपको बड़ा करना है। तो ये फॉन्ट साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो ऊपर हेलो आ गया और नीचे फ्रेंड्स आ गया, इसको हम सही करने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए, हम नीचे से साइज़ बढ़ा सकते हैं बॉक्स का, तो ये हमारा एक ही लाइन में आ गया है। अब हम दूसरी चीज़ ये और कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फॉन्ट के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि ये लेफ्ट अलाइंड होगा, सेंटर अलाइंड होगा, या राइट अलाइंड होगा। उसके बाद हम यहाँ से ये पेन के ऑप्शन से एडिट भी कर सकते हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं। ये फ्लैश का आपको लाइटिंग का ये दिख रहा है आइकन, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट एनिमेशन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा एनिमेशन आप बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। जैसे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशन ये लगते हैं, फेड इन डाउन, तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करके प्ले करेंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त एनिमेशन लग रहा है, बिना अभी हमने हाथ को टेस्ट नहीं करा है। लेकिन अगर आप हाथ वाले एनिमेशन कहीं कहीं नहीं लगाना चाहते तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप इसी टेक्स्ट को फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। तो मैं 3 सेकंड में इसको फेड इन चाहता हूँ, या 4 सेकंड में चाहता हूँ, या 1 सेकंड में चाहता हूँ। मेरा पॉज जो फीचर है वो इसलिए है कि अगर मैं हेलो फ्रेंड्स के बाद कोई एक और एलिमेंट डालना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ या मैं कुछ इमेज डालना चाहता हूँ, तो उन दोनों एनिमेशन के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो आप 1 सेकंड रख सकते हैं या फौरन रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है वॉइस ओवर पे। तो इसलिए ये बेटर है कि आप पहले वॉइस ओवर कर लें और बाद में एनिमेशन बनाएं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि बीच में ड्यूरेशन कितनी छोड़ना है मुझे, उसके बाद में कितनी मुझे ड्यूरेशन छोड़ना है मेरे वॉइस के हिसाब से। अगर आप पहले ही एनिमेशन बना लेंगे और फिर वॉइस ओवर करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप वॉइस को स्पीड अप और स्पीड डाउन नहीं कर सकते, एनिमेशन को तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिले का मतलब यह है दोस्तों कि आप स्लाइड को कितना डिले करना चाहते हैं, आप इस स्लाइड पे कितनी देर रहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज़, अगर आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, जब मैं मूवी आपको बना के दिखाऊंगा इससे, वाइट बोर्ड एनिमेशन मूवी, तो आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन है, इससे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ टेक्स्ट, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं चेकमार्क पर क्लिक करके इसको ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमने बात कर ली है टेक्स्ट की, अब हम बात करते हैं सबसे मेन फीचर जो इसका है वो है स्टिकर। तो यहाँ पर स्टिकर जो ऑप्शन है, स्टिकर ऑप्शन का आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी खुद की इमेज ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो कंपनी ने बनाई हुई इमेजेस हैं, जो बिनाइम वीडियो, जो बिनाइम ऐप है उनकी कंपनी ने जिन्होंने बनाई हैं इमेजेस, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इमेजेस हैं, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती इनकी कि ये प्रो वर्जन में अपग्रेड करने का बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको इसको बाईपास करने का एक तरीका बताऊँगा। मैं ये इन इमेजेस की बात नहीं कर रहा, अपन खुद की इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो अगर आपको प्रो इमेजेस यूज़ करना है ये वाली, तो प्रो इमेजेस आप जैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं कैसल को, तो आप गूगल पे सर्च करिए ड्राइंग ऑफ कैसल, और आप उधर से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रो की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वर्जन में भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर चीज़ बंद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे शेप्स पूरे खुले हैं इनके, और ये लॉटे आर्ट भी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमेटेड इमेजेस मिलती हैं, एनिमेटेड GIFs मिलती हैं, जो आप अपने वीडियो में, जो आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं, और अभी हम करके दिखाएंगे आपको यूज़। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। एक तो होता है स्टिल इमेजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं, और एक है एनिमेटेड इमेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टैब है वेदर का, यहाँ पे आप वेदर के ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया, कैरेक्टर भी बहुत सारे हैं, तो हम बहुत ये सब खुले हुए कैरेक्टर्स हैं, कोई प्रो नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी हमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो कंपनी ने दे दिया है वो है खुद की इमेजेस ऐड करना, तो हम खुद की इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से ऐड इमेज के ऑप्शन से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ऐप की इमेजेस के बारे में। अब हम
एक और चीज़ बात कर लेते हैं, वो है हैंड की। तो यहाँ पर आप हैंड चूज़ कर सकते हैं, कौन सा हैंड चाहिए आपको। तो आप नो हैंड से भी कर सकते हैं एनिमेट, और जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके मैं जा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट एनिमेशन पे, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब हैंड पे जाऊँगा मैं, और मैं इस हैंड को चूज़ कर रहा हूँ। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर जो हमारा हैंड है वो आने लगेगा, देख सकते हैं दोस्तों आप। और अगर हम विदाउट हैंड करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो विदाउट हैंड हमारी राइटिंग जो है वो आने लगेगी। तो आप देख सकते हैं विदाउट हैंड आने लगी है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके टेक्स्ट पे इसका एनिमेशन सेट कर सकते हैं, तो विदाउट हैंड कोई एनिमेटेड टेक्स्ट आने लगेगा आपका। जैसे मैं इस पर क्लिक करके अब प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए आप ये इन एनिमेशन है, तो कितना अच्छा लग रहा है ये भी। तो दोस्तों ये हैं बेसिक फीचर्स इसके। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं, यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं ये स्लाइड्स हैं, आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। और यहाँ पर आप ये पावर पॉइंट की तरह इन्होंने बना के रखा है इसको, कि अगर आपको कुछ एलिमेंट्स पहली स्लाइड पर रखना है तो आप आसानी से, क्योंकि मोबाइल छोटी स्क्रीन होती है, तो यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट स्क्रीन पर रख सकते हैं, दूसरी स्क्रीन पर कुछ और एलिमेंट्स रख सकते हैं, थर्ड स्क्रीन पर कुछ और एलिमेंट्स रख सकते हैं, और ऐसे आप एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पार्ट वीडियो को। अब हम बात करते हैं कि आप एनिमेटेड मूवी कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वॉइस ओवर करूँगा छोटा सा, उसके बाद हम एनिमेटेड मूवी बना के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं वॉइस ओवर करता हूँ अपना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइटबोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स ख़रीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाइटबोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा हो गया वॉइस, और यहाँ पर इसी वॉइस को मैं एनिमेट करूँगा व्हाइटबोर्ड एनिमेशन के थ्रू। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वॉइस सही रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइटबोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स ख़रीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाइटबोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक और ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे वॉइस ओवर यूज़ ना करें इनका, क्योंकि यहाँ पर आप मैन्युअली एडजस्ट नहीं कर सकते अगर आप बीच में सांस ले रहे हैं या रुक गए या कुछ और हो गया। तो इसलिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाइटबोर्ड एनिमेशन यहाँ से बना लें विदाउट ऑडियो, और कोई और सा एनिमेशन, कोई और सा वीडियो एडिटिंग ऐप जैसे काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर, उनके यूज़ करके आप वॉइस ओवर ऐड कर लें अपना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधर आप और सारे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो अगर आपने मेरी काइनमास्टर वाली वीडियो नहीं देखी एनिमेशन की, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसमें मैंने बेसिक्स पूरे बताए हैं कि आप ऑडियो कैसे अच्छा कर सकते हैं और आप उसमें भी कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं अपना एनिमेशन। तो फर्स्ट स्टेप मैं करना चाहूँगा हेलो फ्रेंड्स के लिए एक इंसान को, तो मैं जाऊँगा लॉटे आर्ट में, और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखा था पहले, तो मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। मैं चेक मार्क पर क्लिक कर रहा हूँ, इसकी ड्यूरेशन 2 सेकंड कर दी है मैंने। अब मैं टेक्स्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ इसी सेम स्लाइड पर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स को मैं आपको मैं एक और मैं टिप बताना चाहता हूँ कि आप कैपिटल में लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, और स्मॉल में क्या होता है कभी कभी फॉन्ट बिगड़ जाता है और स्पेसिंग जो होती है लेटर्स की वो भी बिगड़ जाती है। और मैं अपना फेवरेट जो फॉन्ट है वो लूँगा, यहाँ पे मैं फॉन्ट के बटन पे क्लिक कर दिया है। स्केच मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने उसको चूज़ कर लिया है। इसका थोड़ा साइज़ मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये छोटा हो रहा है, अब ये छोटा हो गया है। हेलो फ्रेंड्स तो मेरा ऑप्शन हो गया है पूरा। और अब मैं यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन सेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर अभी पेंसिल राइटिंग एनिमेशन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं फ्लैश के बटन पे क्लिक करके मैं इसका एनिमेशन दे रहा हूँ जो होगा फेड इन और डाउन। ठीक है दोस्तों, तो फेड इन डाउन हमारा एनिमेशन है। अब मैं इसको चेक मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ। एक और टेक्स्ट मुझे ऐड करना है इसी सेम स्लाइड पे जो होगा वेलकम बैक, तो वेलकम बैक का भी टेक्स्ट में जो है वो ऐड कर रहा हूँ, और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ये वेलकम बैक जो है इसको मैं थोड़ा साइज़ में बड़ा कर रहा हूँ, तो चलिए साइज़ में हमने बड़ा कर दिया है, वेलकम बैक हो गया है। वेलकम बैक को मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने ग्रीन कलर दे दिया है। रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको ब्लैक कलर देना चाहता हूँ, तो मैं चलिए ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स का ब्लैक कलर हो गया, वेलकम बैक का ग्रीन कलर हो गया है। हेलो फ्रेंड्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो हेलो फ्रेंड्स अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हमारा हेलो फ्रेंड्स भी हो गया है,
तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से, अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि आप कितने अच्छे से बना सकते हैं इसके अंदर एनिमेशंस, वाइट बोर्ड एनिमेशंस विदाउट पेइंग फॉर सॉफ्टवेयर्स, आप इतने अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरफेस रेडी हो गया है, फर्स्ट स्लाइड रेडी है। अब हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। पहले वेलकम का मैं एक बार एनिमेशन सेट कर दूँ, तो यहाँ पे मैं बाउंस इन अप कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसे प्ले आउट हो रहा है। तो मैं प्ले के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते तो हमारा एनिमेशन थोड़ा स्लो आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा हेलो फ्रेंड्स 2 सेकंड का, इसको मैं 1 सेकंड का कर दूंगा। वेलकम बैक 2 सेकंड का, इसको 1 सेकंड का कर दूंगा, और फिर से प्ले करके देखता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन तो दोस्तों हमारा अच्छे से हो गया है एनिमेशन। अब दोस्तों डिले का जो ऑप्शन है हमारे जो स्टिकर में है, इसको हमें जो ड्यूरेशन है इसकी भी हमें कम करना पड़ेगी, क्योंकि हमें और जल्दी, हमने क्योंकि वॉइस ओवर करा है इसलिए। चलिए एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना दोस्तों हमारा परफेक्टली पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई है। अब हमें सेकंड स्लाइड पे जाना है, और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की बात हो रही है तो उसको हमें चेकआउट करना है। तो हम उसके लिए एनिमेशन के लिए मैंने एक और लॉटे आर्ट, मैंने कैरेक्टर्स में देखा था एक वाइट बोर्ड एनिमेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़की जो है, ये एक लेडी जो है पकड़ी हुई है वाइट बोर्ड, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा इस कैरेक्टर का, तो ये देख सकते हैं आप, ये हो गया है बड़ा। और यहाँ पे इसका ड्यूरेशन मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना, ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे कंप्यूटर का एनिमेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए जाता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए दोस्तों मुझे अच्छे से एनिमेशंस नहीं मिले थे इसके अंदर, तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद के भी इमेजेस ऐड कर ली थी, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर का एनिमेशन देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा एनिमेशन मिल रहा है। यहाँ पर एक इंसान जो है वो काम कर रहा है पीसी में, तो ये हमारे सीन के हिसाब से, वॉइस ओवर के हिसाब से बहुत अच्छा फिट बैठ रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रख लेता हूँ, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और स्किप इससे पहले मैं इस यहाँ पर मैं एक एरो भी लगा सकता हूँ कि हम दिखाएं कि वाइट बोर्ड एनिमेशन हम कंप्यूटर से बना रहे हैं। तो मैं स्टिकर पे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे शेप्स में एक एरो मिल जाएगा, तो मैं जाके उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ले लेता हूँ, ये एरो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। और इसका मैं ड्यूरेशन 1 सेकंड कर देता हूँ, और ये ऊपर रख देता हूँ ताकि हमें दिखेगी कंप्यूटर में, हमारा कंप्यूटर की तरफ इशारा हो रहा है वाइट बोर्ड एनिमेशन का। अब हम उसी चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं फिर से। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अपने लॉटे आर्ट में, यहाँ पर मुझे वो वापस वर्किंग डेस्क का एनिमेशन चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए दोस्तों, घंटों पैसे, हमें मतलब बहुत सारे पैसे स्पेंड नहीं करना, तो उसके लिए भी मैं एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा हूँ, एक और एरो। और शेप्स में जाना है मुझे, यहाँ पर मैं एक और एरो इम्पोर्ट कर सकता हूँ, तो ये एक और एरो मेरा आ गया है, और इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इन दोनों का सेम साइज़ चाहता हूँ मैं, तो मैं देख लेता हूँ कितना साइज़ आ रहा है दोनों का, और आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम है दोनों। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ रखूँगा जो है पैसे। तो दोस्तों पैसे के लिए मुझे कोई एनिमेशन नहीं मिला इसके लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने खुद की इमेज ऐड कर ली, यहाँ पर ऐड इमेज पर जाऊँगा मैं, और यहाँ पर मुझे देखिए आप पैसे से भरा हुआ एनिमेशन मिल जाएगा। तो मैं जाता हूँ अपने फ़ोटोज़ में, और मैंने डाउनलोड कर ली थी फ़ोटो, ये पैसे का एनिमेशन मिल गया है मुझे, ट्रांसपेरेंट इमेज मिल गई थी, तो इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं ये हमारा पैसे का भी एनिमेशन रेडी है, वाइट बोर्ड एनिमेशन। तो चलिए दोस्तों मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि कैसा आ रहा है ये, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने वॉइस ओवर के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना, और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर। तो दोस्तों देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और हमारे पहले ट्राई में इतना अच्छा बन गया है। अब मैं इसके एरोस का कोई एनिमेशन नहीं आ रहा, तो मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं देखूँ कैसा काम कर रहा है ये। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ फिर से।
सारे पैसे नहीं है, कंप्यूटर पे काटते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पे काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हैंड एनिमेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे हैंड मेरा सिलेक्टेड नहीं है तो मैं हैंड पे जाऊँगा और मैं ये इस स्लाइड को सिलेक्ट करूंगा और हैंड पे जाके मैं नो हैंड की जगह मैं एक हैंड चूज कर लूंगा जो मुझे सही लग रहा है। आप पेंसिल चूज कर सकते हैं, आप कोई और सी चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये फर्स्ट वाला बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब हम फिर से प्ले करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ। अब हमें यहाँ पर वीडियो के बारे में बात करना है कि हमारी जो वीडियो है वो सही वीडियो है, तो हमारी सेकंड स्लाइड कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर हमें चाहिए वीडियो की इमेज या वीडियो की एनिमेटेड इमेज, तो हम चलते हैं वापस। आप सही वीडियो पर आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ है जिसके अंदर एक वीडियो प्ले हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे इमेज लग रही है। आप देख सकते हैं ये, इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। आप सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वॉइस ओवर था, तो ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों। अब ये लैपटॉप का बिल्कुल सही मुझे इमेज मिल गई है, मुझे इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा हैंड जो होगा वो सेम ही रहेगा, तो मैं हैंड चूज़ कर लेता हूँ। आप स्लाइड के हिसाब से हैंड डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, तो मैंने नो हैंड करा तो कोई हैंड नहीं आएगा, हैंड को मैं चूज़ करूँगा तो हैंड आ जाएगा। तो अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, पहले इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। खरीदने के लिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्ट क्योंकि आप कैसे आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से बना सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक और एरो की ज़रूरत है, तो स्टिकर पे जाऊंगा मैं और एक अच्छा सा एरो ले लूँगा शेप्स में जाके। आप और अच्छे एरोज़ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग वाले एरोज़ हैं और अगर आपको और अच्छे एरोज़ चाहिए तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे एक एरो इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था, तो मैं स्टिकर पे जाऊंगा और यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वो एरो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है वो एरो जो मैंने इंपोर्ट किया है, कितना ज़बरदस्त एरो लग रहा है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका जो एरो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ और इसकी ड्यूरेशन मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ क्योंकि एरो का टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारे इमेज में ज़्यादा टाइम जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत देर से टेक्स्ट नहीं लगाया है। तो अब मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन लिख दिया है और ये हम मैंने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया है, तो आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन आ गया है। वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हैं वो भी अपने स्मार्टफोन में, तो इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ साइज़, और ये साइज़ बड़ा करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मैं ऊपर मोबाइल लगा दूंगा, इसको नीचे कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया है, मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ और आखिरी चीज़ हमारी जो बची है वो है हमारा एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मैंने स्टिकर्स में एक बहुत अच्छा फ़ोन देखा था तो मैं उसको ही लेकर आ रहा हूँ, यहाँ कैरेक्टर्स में भी था वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फ़ोन है, इसको मैं ले सकता हूँ। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से ऐड फोटोज़ में से भी क्लिक करके ले सकते हैं, तो नीचे भी बहुत सारे इमेजेस हैं और भी सारी चीज़ें हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी के लिए ये ले रहा हूँ ये फ़ोन, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और इसको मैं ड्यूरेशन 2 सेकंड्स कर रहा हूँ। तो चलिए ये हो गया है हमारा और हम प्ले करके देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो इसके लिए मुझे फ्री में नहीं लिखना, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारा ये आखिरी स्लाइड रहे और इसके बाद हमारी डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, हमारा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत जल्दी आ रहा है, तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो टेक्स्ट है वो बहुत जल्दी आ रहा है और ये थोड़ा छोटा भी लग रहा है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ और ये मेरा बड़ा हो गया है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और ये हमारा एरो भी यहाँ पर आ गया है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है वो भी थोड़ा जल्दी आ रहा है तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। और फ्री के लिए दोस्तों मुझे एक बहुत अच्छा एनिमेशन मिला था जो है चेक मार्क, तो वो जो लॉटे आर्ट है इसके अंदर ही मुझे एक चेक मार्क देखा था तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं इसको ही सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मुझे ऐसा लगेगा कि हमें फ्री बता रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन भी है इसीलिए। तो चलिए दोस्तों हमारा ये हो गया है,
लेट्स गेट स्टार्टेड के लिए दोस्तों हम एक छोटा सा और एनिमेशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि पहले कैसा लग रहा है ये, और फिर हम बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे अगर हमें पता चलेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्ले करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइट बोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है हमारा एनिमेशन, बस हमारा जो चेक मार्क है उसका थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, इसको मैं एक सेकंड कर देता हूँ, तो हम आखिरी का प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारी वीडियो ट्रांजिशन हो जाएगी और वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देख लिया है कि कैसे वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाया जाता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, वो भी बिल्कुल फ्री में, और ये कितना कूल लग रहा है दोस्तों, बहुत ही इंगेजिंग इफेक्ट होता है, और इसका अगर आप फ्रीलांसिंग में भी काम में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही हाई पेइंग जॉब है ये, अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन का स्किल सीख गए। दोस्तों ये वाइट बोर्ड एनिमेशन इसके अंदर करना मतलब अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म में इसको बिजनेस की तरह लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कंप्यूटर में यूज़ करके देखिए और उसका भी डेवलप करिए स्किल्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एंड्रॉयड में ये ऐप क्रैश हो सकता है क्योंकि अभी नया नया ऐप है, ये ऐप में कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आपका वर्क और प्रोजेक्ट लूज़ नहीं हो, और अगर आप और आप ताकि दूसरी चीज़ें ट्राई कर पाएँ, वो कंप्यूटर एनिमेशन जो वाइट बोर्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं वो एक्सप्लोर कर पाएँ, तो मैं कंप्यूटर का भी सजेस्ट करूँगा आपको। तो दोस्तों आखिरी चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो आपको शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको वीडियो नेम जो है मूवी का वो रखना है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ वाइट बोर्ड इंट्रो, और वाइट बोर्ड इंट्रो रखने के बाद मैं यहाँ पे मेक मूवी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी मूवी रेंडर हो रही है। तो इतने में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले स्किल के बारे में, वाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में। और ये हमारी वीडियो रेंडर पूरी होने वाली है, और जैसे ही वीडियो रेंडर होगी मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा, ऑडियो भी मिक्स हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम मूवी को प्ले करके देखते हैं, और ये मेरी मूवी आपके सामने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइट बोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिनाइम वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएटर ऐप का यूज़ करके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ ला पाऊँ आपके लिए। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकमेट्स। अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको घंटों कंप्यूटर पर काम नहीं करना और आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइट बोर्ड एनिमेशन अपने स्मार्टफोन से कैसे बना सकते हैं।